झारखंड विधानसभा में नियोजन नीति को लेकर बीजेपी विधायकों ने सदन के अंदर और बाहर जमकर हंगामा किया। बीजेपी विधायक अनंत ओझा ने नियोजन नीति लागू करने की मांग रख दी। उन्होंने सदन के अंदर सत्ता पक्ष के ही जेएमएम विधायक लोबिन हेम्ब्रम ने जो सरकार से सवाल उठाए थे उनकी बाबत पूछा कि जब कैबिनेट ने नियोजन नीति पर मुहर लगा दी तो सदन में उसे क्यों नहीं लाया जा रहा। संसदीय कार्य मंत्री आलमगीर आलम ने कहा कि सरकार इस मसले पर 13 मार्च को अब जवाब देगी। तो क्या कुछ हुआ है और क्या कहा गया है ये भी सुनाते हैं हम आपको। अध्यक्ष महोदय, ये चलते सत्र में कैबिनेट में 1932 का कप्यान यानी नियोजन नीति इसको पास कराएगा। तो महोदय, क्या ये नियम नहीं है कि कैबिनेट में पास होने के बाद उसको चलते सत्र में या सदन के अंदर में उसको घोषणा करना चाहिए? और इसी के चलते आज पूरे राज्य में वो आपोसी स्थिति बनी हुई है कि नियोजन नीति क्या हुआ नहीं हुआ, किसको मिलेगा नियोजन, कौन है यहाँ का स्थानीय। माननीय मनीष जय सवाल जी। माननीय सदस्य अभी चर्चा कर रहे थे, ये नियोजन नीति कैबिनेट में पारित करा दिया, विधानसभा में नहीं लाया। जैसे कहा कि उन लोगों ने कि विधानसभा से पारित करके नियोजन नीति भेजा गया था सर्वसम्मति से, लेकिन हाई कोर्ट का जो निर्देश आया वो सब कोई आप लोगों को जानकारी है। और हम यही कहना चाहते हैं कि प्रश्नकाल चलने दिया जाए, सरकार का जवाब होगा 13 तारीख को होगा, उस दिन दिया जाएगा जवाब इसका। नहीं नहीं, आज नहीं, चलने दीजिए। हम बोल रहे सरकार का जवाब होगा, मनीष जी कुछ जवाब हम लोग देंगे विधानसभा। सरकार वही सरकार जो प्रदेश भर में घूम करके 5 लाख रोजगार देने के बारे में बात की थी, वो सरकार जो पूरे राज्य के युवाओं को यह बात करके यहाँ के आदिवासी यहाँ के मूलवासी झारखंड वासियों को यह संदेश देकर के विशेष तत्व बुलाई थी। और आज जो सदन का सत्र चल रहा है, राज्य की सबसे बड़ी पंचायत चल रही है, तो मंत्रिपरिषद के माध्यम से जो अखबारों में जो खबरें आई है निश्चित रूप से पूरे राज्य के युवाओं में आक्रोश है और युवा धर्म के स्थिति में है कि आखिर राज्य सरकार अपने भविष्य के साथ ये हेमंत सरकार क्यों खिलवाड़ कर रही है। इसीलिए आज हमने कार्यस्थल लाया है कि सदन में सरकार चर्चा करे और राज्य के युवाओं को बताए कि कौन सा नीति राज्य के अंदर लागू किया। बैलेंस यही तो है, इसका मतलब है कि वो प्रचारित करके जो विशेष सत्र सरकार ने बुलाया था उस विशेष सत्र को जिसमें सरकार ने जो बातें कही वो राज्य के मूल वासियों को आदिवासियों से माफी मांगे सरकार। या जो ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता मदन जुड़े हुए हैं। मदन, नियोजन नीति को लेकर जिस तरह से कैबिनेट में नियोजन नीति पास कर दी गई, सीएम का बयान भी इस पर आ गया, लोबिन हेम्ब्रम जेएमएम के ही हैं, फिलहाल बागी हैं, लेकिन वो सवाल खड़े कर रहे हैं, वो कह रहे हैं कि सदन में चर्चा क्यों नहीं हुई। बीजेपी भी इस पर सवाल खड़े कर रही है, लेकिन सरकार 13 तारीख के दिन चर्चा की बात कर रही है, क्या नहीं लगता कि सरकार इससे बचने की कोशिश करती दिखाई दी है? बिल्कुल, देखिए अगर इस बजट सत्र को आप देखेंगे तो आज 6ठा दिन था और ऐसे में जो 5 दिन की कार्रवाई थी वो शांतिपूर्वक चली, लेकिन आज 6ठे दिन सदन में शोरगुल, सदन में हंगामा और हंगामे के लिए सदन को स्थगित होते हुए देखा गया। सबसे बड़ी बात है कि जैसे ही सदन की कार्यवाही शुरू हुई वैसे ही सबसे पहले जेएमएम के विधायक लोबिन हेम्ब्रम ने स्पीकर से सूचना के माध्यम से ये पूछा कि सर ये बताया जाए कि आखिर किस परिस्थिति में जो सदन से सर्वसम्मति से 1932 आधारित नियोजन नीति को पास कराया गया उसके विरुद्ध अब जो है वो किस आधार पर कैबिनेट से 1932 से पहले यानी कि 2016 से पहले जो नियोजन नीति थे उसको मंजूरी दी गई, और क्या ये सदन का अवमानना नहीं है कि सदन को बिना अपने जानकारी दिए हुए या सदन को अपने इस चीज़ को फेवर में लिए हुए ये फैसले लिए गए।
जैसे ही लोबिन हेम्ब्रम ने इस मामले को उठाया, बीजेपी ने इसे लपक लिया और उसके बाद बीजेपी के तमाम विधायक इसको लेकर के हंगामा करते नजर आए, वेल में उतरे, रिपोर्टिंग टेबल को पीटते रहे। स्पीकर आक्रोशित भी हुए, उन्होंने कहा कि मुझे और भी दूसरा भी रास्ता आता है कि हम कैसे सदन को हाउस में ला सकते हैं। प्रश्नकाल आज पूरी तरह से बाधित रहा। उसके बाद जब दूसरी पाली में शुरुआत हुई चर्चा की, जो आम बजट है उस पर चर्चा हो रही थी, वो भी थोड़ी ही देर शुरू हुई कि उसके बाद तमाम जो विपक्ष के विधायक हैं वो वेल में उतर गए और हंगामा करते नजर आए, जिसके बाद विपक्ष के विधायक वॉकआउट भी कर गए और उन्होंने आज जो विधानसभा के तरफ से होली मिलन समारोह का आयोजन किया गया था उसको भी बायकॉट कर दिया। तो इसमें सबसे महत्वपूर्ण ये है कि नीलकंठ सिंह मुंडा, सुदेश महतो, तमाम कई और विधायकों ने ये मामला उठाया सदन में और पूछा कि आखिर सरकार को ऐसी क्या नौबत आई कि जो मुख्यमंत्री खुद सदन में कह रहे थे कि 1932 में कानूनी अड़चनें आएंगी, तो फिर किस परिस्थिति में 1932 को पास कराया गया, सर्वसम्मति से पास कराया गया, और फिर जब कोर्ट से या न्यायालय से जब वो रद्द होती है तो बिना सदन को अपने बहुमत में लिए हुए, सदन के लोगों को जानकारी, सदस्यों को जानकारी दिए हुए, कैबिनेट से पीछे के दरवाजे से 2016 से पहले की नीति को क्यों लाया जा रहा है, और अगर निर्णय लिए भी गए तो क्या इस चलते सत्र में सबसे पहले सदन में इस चीज़ को लाना चाहिए या नहीं। इससे ये पूरी तरह से स्पष्ट होता है कि सदन से ऊपर सरकार है और सदन का अवमानना हो रहा है। हालांकि जो संसदीय कार्य मंत्री है आलमगीर आलम, वो बचते हुए नजर आए, बीच का एक रास्ता चुनते हुए नजर आए। उन्होंने स्पष्ट तौर पर कहा कि सरकार जो है इसको लेकर के जरूर अपना पक्ष रखेगी, जवाब देगी, लेकिन फिलहाल अभी नहीं देगी, 13 तारीख या फिर उससे आगे भी अभी समय है, जिस सत्र चलते सत्र में सरकार जवाब देगी। लेकिन विपक्ष अपने जिद पर था कि नहीं, आज सबसे पहले जब ये ज्वलंत मुद्दा है, जब पूरे राज्य के युवा उहापोह की स्थिति में हैं, विधानसभा की ओर नजरें टिकाए हुए हैं, तो ऐसे में सबसे पहले सरकार को इस विषय पर जवाब देनी चाहिए, गंभीरता दिखानी चाहिए, बेरोजगार युवाओं के दर्द को समझना चाहिए। तो ऐसे में आज पूरी तरह से सदन बाधित रहा नियोजन नीति को लेकर के। बिल्कुल मदन, यानी अब कहा जा सकता है कि भूमिका तैयार है, सदन की कार्यवाही जैसे ही आरंभ होगी अब नियोजन नीति को लेकर हंगामेदार सत्र देखने को मिलेगा। बिल्कुल, पहले से ही अंदाजा लगाया जा रहा था कि शुरुआत के दिन से ही इस मसले को बीजेपी तुल देगी, लेकिन 5 दिनों तक सदन की कार्यवाही को सुचारू रूप से चलने दिया, लेकिन जैसे ही मौका मिला बीजेपी को, बीजेपी खुद फ्रंट फुट पर नहीं आना चाहती थी, लेकिन आज जैसे ही जेएमएम के विधायक लोबिन हेम्ब्रम ने उन्हें मौका दिया, बीजेपी पीछे से इस मामले को लेकर के आगे बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। और उम्मीद की जा रही है कि अब जो आने वाले दिनों में, यानी कि 13 से जब सदन की कार्यवाही शुरू होगी, तो यह मुद्दा जो है ज्वलंत है और इसको बीजेपी कभी भी छोड़ने के मूड में नहीं है। वहीं दूसरी तरफ अगर आप देखें तो ये जो विषय है इसको लेकर के सरकार भी गंभीर थी। पहले ही सरकार ने सर्वे कराया था, सर्वे के आधार पर जो है धन्यवाद भी दिया गया था, कई मीडिया हाउस के माध्यम से आभार जताया गया था कि आपने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया, इसमें 7 लाख से अधिक अभ्यर्थी जो है उन्होंने अपना पक्ष रखा, अपनी राय दी। उस आधार पर सरकार जो है एक नीति बना करके बजट सत्र में आने की तैयारी में थी ही, लेकिन ये जो 2016 से पहले की नियोजन नीति बनाई जा रही है, अब इसमें सरकार को घेरने की पूरी रणनीति बीजेपी ने बना ली है, क्योंकि बीजेपी का सीधे तौर पर कहना है कि 1932 के सिवा अब कोई मंजूर नहीं, जो 32 की बात करेगा वही झारखंड में राज करेगा, तो फिर ये 2016 से पहले की बात कहाँ से आई, और जो बात लगातार ये करने वाले लोग थे फिर पीछे कैसे मुड़े हैं। वेलकम टू चाचा मामा दंगल। हास्य अदाकार संजय मिश्रा से गुजारिश है कि वह अखाड़े में कूदे और उल्टे उसको ट्रॉफी से नवाजे। लगता है समाधि ले ली। अरे बुला रहे हैं। अरे बोल रहे हैं कि टॉप टेक सीमेंट, जो जोड़े तो छोड़े नहीं, मजबूती ही हमारी पहचान।